हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज हम करेंगे कि जो HPSC का नोटिफिकेशन निकला है उसका सिलेबस क्या है और क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए हैं। ठीक है, ये अपडेटेड सिलेबस है जो कि अभी 9 फरवरी 2021 को उन्होंने अपलोड किया है। तो अगर आपको ये देखना है तो आप यहाँ पे hpsc.government.in पर जाके देख सकते हैं। सिलेबस में आपको सेकेंड ही मिलेगा, सिलेबस फॉर HCS एंड AIL सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक HPSC की नोटिफिकेशन नहीं देखी है तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको ऊपर आई कार्ड पर भी दिख जाएगा। तो आप अगर आपने नहीं किया है तो 3 मार्च से फॉर्म फिल हो रहे हैं और 2 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप ध्यान रखिए कि 3 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 2 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब क्या सिलेबस में क्या आया है। ठीक है, ये हरियाणा गवर्नमेंट गैजेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिश बाय अथॉरिटी लिखा हुआ है। ठीक है, चंडीगढ़ ट्यूजडे फेब 9 2021। ओके, तो इसमें जो दिया है सिलेबस, जैसे कि हमें पता है कि हमारे इसमें क्या होंगे, 3 राउंड होंगे। ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ प्री, जैसे UPSC में होता है प्री मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो अभी हम पहले प्री का डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम मेन का करेंगे। और पर्सनैलिटी टेस्ट में तो आपका इंटरव्यू होता ही है, जिसमें वो नॉर्मली डिस्कशन करेंगे, वो आपके मेंटल एबिलिटीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं सिलेबस ऑफ फॉर प्री। सिलेबस ऑफ फॉर प्री में, प्री में भी हमारे पास क्या होते हैं, 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, वो सब मैं, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें हम एग्ज़ाम का पैटर्न, फी डिटेल, कितनी वैकेंसीज हैं जनरल में, कितनी है CST कितनी है। ठीक है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूँ कि प्री में है जो क्या होता है, 2 पेपर होंगे, एक सी सेट होगा आपका। ठीक है, और एक जनरल GS का होगा। सी सेट आपके पास सिर्फ क्वालिफाई होगा, जो आपको सिर्फ उसमें 33% लेने हैं, और जनरल स्टडीज़ के बेस पे ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो सिलेबस है प्री एग्ज़ाम्स का, फर्स्ट GS में क्या क्या आएगा, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, हरियाणा इकनॉमी एंड पीपल, सोशल एंड इकनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। ठीक है, जो जनरल साइंस में आपके क्वेश्चन आएंगे वो कवर करेंगे जनरल अप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके करंट इवेंट्स में है, जो भी नॉलेज होगी सिग्निफिकेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल, मतलब करंट अफेयर्स जो भी होंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या आएगा, जो इम्फेसिस होगा, मतलब जो ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, वो जनरल अंडरस्टैंडिंग पे दिया जाएगा सब्जेक्ट के, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स तीनों के। ठीक है, जो इंटरनेशनल मूवमेंट होगा वो रिलेट करेगा नेचर एंड करेक्टर ऑफ 19th सेंचुरी और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस पे। ठीक है, ज्योग्राफी पे आपका किस पे इन्फेसिस होगा, ज्योग्राफी क्या है इंडिया की। ठीक है, क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विल रिलेट टू फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंक्लूडिंग द मेन फीचर्स जो कि हैं इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्या है, क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होंगे, आपकी जो भी फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगी कंट्री की उससे रिलेटेड। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे आपके इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी पे, वो टेस्ट करेंगे जो कंट्रीज़ की पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन है, पंचायती राज, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंडिया के उस पे। और जनरल एबिलिटी में क्या होगा, कैंडिडेट्स विल बी टेस्ट ऑन रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़। ये आपका प्री का फर्स्ट था जिसमें GS का था। उसके बाद हम करेंगे सी सेट जो है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरेसी, मतलब नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो क्लास 10th लेवल के होंगे, और डाटा इंटरप्रिटेशन वो भी जो क्या होगा, क्लास 10th लेवल का होगा। ठीक है, तो हम प्री में डिस्कस कर चुके हैं। प्री में हमने देखा है कि 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, फर्स्ट होता है GS का जिसमें हम, और ये अभी अपडेटेड सिलेबस है। ठीक है, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, 9 फरवरी 2021 का है। ठीक है, तो इन्होंने जनरल साइंस, करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी और हरियाणा इकोनॉमी एंड पीपल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, ये सब पेपर फर्स्ट में बताया। उसके बाद सी सेट में इन्होंने बताया कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरिसी। ठीक है, ये हमारा पेपर फर्स्ट, जो प्री के दोनों पेपर कंप्लीट हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन जो आएंगे वो होंगे 4 पेपर, जिसमें एक इंग्लिश का होगा, मतलब 2 लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों जो कंपलसरी हैं। उसके बाद आपका होगा GS का, ठीक है, और उसके बाद एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, जो 600 मार्क्स से होंगे ये सब।
उसके बाद आता है इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, ठीक है। द एम ऑफ पेपर, मतलब इस एम क्या है इस पेपर का, टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द सीरियस डिस्कर्सिव प्रोज एंड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड क्लियरली एंड करेक्टली इन इंग्लिश, ठीक है। तो पैटर्न क्या होगा, पर्सिज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस, एसे, यूसेज एंड वोकैबुलरी, जनरल ग्रामर एंड कंपोजिशन, ठीक है। उसके बाद हम हिंदी पे आते हैं, हिंदी का भी यही होगा, देवनागरी स्क्रिप्ट में जो लिखा जाएगा, मतलब नॉर्मल हिंदी जो हम लिखते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इन टू हिंदी, लेटर एंड प्रेसेज राइटिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन द सेम लैंग्वेज, कंपोजिशन और एसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स आपको दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडीज़ में जो होगा आपका, एक वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर दैम विदाउट एनी स्पेशलाइज स्टडी, मतलब इसके लिए आपको किसी ऐसे की नहीं, बट एक जो वेल एजुकेटेड पर्सन होगा जिसको पता होगा कि मेरी इंडिया की हिस्ट्री क्या है क्या है, तो वो सब ऑब्वियसली यूपीएससी की तरह ही हमारा ये होता है, पर इतना उसमें इतना वास्ट सिलेबस होता है, पर इसमें काइंड ऑफ है, पर जीएस इसमें बहुत अच्छे से आपको करनी है अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो, ठीक है। तो इसमें आएगा फर्स्ट जो पेपर है पार्ट वन में, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ठीक है, जिसमें पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ कंट्री फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ 19th सेंचुरी एंड वुड ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हु शेप द फ्रीडम मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद आता है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, वही फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल जियोग्राफी ऑफ इंडिया पे, इंडियन पॉलिटी पे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उससे रिलेटेड मैटर है, और करंट नेशनल इशूज़ और जो टॉपिक हैं सोशल रिलेवेंस के, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड, द पार्ट इज इंटेंटेड टू टेस्ट कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ इंडियन रिलेशनशिप विद वर्ल्ड, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड रिलेटेड मैटर्स, ठीक है, न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियन अब्रॉड एंड ऑल। उसके बाद इंडियन इकनॉमी, ठीक है, प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं, सब इसमें पूछा जाएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, ठीक है, ये सब इसमें होगा। मतलब पार्ट वन एंड पार्ट टू हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम तीन पेपर डिस्कस कर चुके हैं, डैट इज़ इंग्लिश, हिंदी एंड जीएस। जीएस में आपका सिलेबस ये होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। करंट इश्यूज़ में भी जो इन्होंने दिया हुआ है कि वो क्या पूछेंगे, किस पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपके पास 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको एक चूज़ करना है और उसी की स्टडी आपको साथ साथ करनी है, ठीक है। वो आप कोई भी ले सकते हो, इनमें सबका सिलेबस दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर, सब दो पार्ट्स में डिवाइड है। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंस, ठीक है। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी, मतलब सब जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं यहाँ पे सबका सिलेबस दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपका कोई सब्जेक्ट है बॉटनी जैसे, ये कुछ भी सब्जेक्ट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सब हमारा सिलेबस है, जो अपडेटेड सिलेबस है अभी आप, और अगर आप क्लियर करना चाहते हैं एग्ज़ाम को, तो आपको अभी से तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका टेंटेटिव जो नोटिफिकेशन आया है वो मई या जून में होगा प्री, और अगस्त में ही आपका मेन हो जाएगा, और जिसके बाद आपका क्या होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट, लास्ट इंटरव्यू टेस्ट, ठीक है। तो कोई भी डाउट है अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है कुछ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके उस कमेंट का आंसर करने की, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और ऐसा है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर बनाऊँ, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।